अब बात करते हैं लास्ट स्टॉक की। तो गाइस हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है, क्या हो गया भाई, मैं भूल गया लास्ट स्टॉक। हाय माय नेम इज शिवांश भसीन, वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस जो भी हम लोग 3 स्टॉक्स की वीडियोस की सीरीज लेकर आ रहे हैं, इस पे आज हम एक इंटरेस्टिंग चेंज करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक बेनिफिशियल होने वाला है। सो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताते थे कि सर आप एक ऑप्शंस का भी लेकर आइए करिए, कि जो भी हम स्टॉक्स बाय कर रहे हैं उसे ऑप्शंस पे कैसे ट्रेड करना है, अगर आपको इंट्रा डे दे रहे हो तो उसको कैसे ऑप्शन में ट्रेड करना है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग को भी कैसे ऑप्शन में ट्रेड करना है, उसका ओपन इंटरेस्ट डाटा की स्टडी करवाइए। तो एवरीथिंग मैं आज इस वीडियो के अंदर बनाने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप चीजें भूल जाओगे और मार्केट के अंदर गलत डिसीजन ले सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज जरूर लाइक करेगा और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताएगा क्या इस सीरीज को जो हमने चेंज करा है, क्या इस चेंज को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर हम बैक टू जो भी हमारा प्रीवियस था एग्जैक्टली वैसा आ जाए। तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, मुझे पता चलेगा कि आपको ये कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एंड सबसे पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि अपोलो हॉस्पिटल में सबसे पहले हम लोग अपना स्टॉक की एनालिसिस करेंगे, चार्ट्स की एनालिसिस करेंगे, इसके बाद ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखेंगे एंड उसके बाद ऑप्शन चेन देखेंगे। उसके बेसिस पे फिर हम डिसीजन लगाएंगे कि कैश में आप लोग क्या कर सकते हो, फ्यूचर्स में क्या कर सकते हो एंड ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करके क्या टारगेट एंड स्टॉप लॉस पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल की। सो अपोलो हॉस्पिटल में अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक बहुत अच्छा सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, लेट्स गो टू लोअर टाइम फ्रेम 2 आवर्स पे, एंड 2 आवर्स पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा चैनल बना हुआ है एंड ये एक लेवल है जिस लेवल से हम लोग देख रहे हैं कि यहां सपोर्ट लिया था, यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया था, यहां पर मल्टीपल सपोर्ट्स थे, अब यहां से ये ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अगर आप चेक करोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर देखने को मिल रहा है। सो अभी करंट प्राइस है अपोलो हॉस्पिटल का 4735 रुपीस का, हमें जो बाय करना है वो हमें बाय करना है 4766 रुपीस का, और इसका जो टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं प्रीवियस स्विंग हाई का, एंड स्टॉप लॉस तो हम अपने चार्ट्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करें सिर्फ कैश की, जो कैश में बाय करना चाहते हैं। सो अगर आप चेक करोगे तो अभी यहां पर हम लोगों को एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है, एंड अगर ये ऊपर की तरफ कल के दिन निकलता है तो एक बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स अभी बहुत कम है एंड प्राइस ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली अगर ब्रेकआउट आता है तो वॉल्यूम्स एज द एवरेज और ऊपर जा सकते हैं और ये स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो एक बार चलते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एंड यहां पर हम लोग चेक करते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कितना बढ़िया हम लोगों को यहां पर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब टारगेट की बात करें तो दिस इज आर प्रीवियस स्विंग हाई, यहां पर डबल टॉप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था, तो हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4938 रुपीज के आसपास का, 4950 रुपीज का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब टारगेट से आपको पता चल गया कि ऑलमोस्ट 200 रुपए ऊपर टारगेट है, तो दैट इज ये एक इंट्राडे ट्रेड नहीं, ये एक स्विंग ट्रेड है। अब यहां पर स्विंग ट्रेड है तो ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बता दूंगा। स्टॉप लॉस जो हम पुट करके चल रहे हैं दैट इज 4675 रुपीज का, तो ऑलमोस्ट अगर हम मान के चले तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें देखने को क्लियरली मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कैश की, बात हो गई है स्टॉप लॉस और टारगेट की। होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट हम मान के चल रहे हैं कि विद इन अ 4 डेज ये अपने टारगेट्स को रीच कर सकता है, और अगर 4 दिन के अंदर इसने अपने टारगेट को रीच नहीं करे तो ऑलमोस्ट हम इसे एग्जिट कर देंगे जहां पर भी हमारा प्रॉफिट शो कर रहा होगा। इतनी हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की। तो ओपन इंटरेस्ट पर मैंने अपोलो हॉस्पिटल ओपन करा हुआ, यहां पर आप चेक कर सकते हो, एंड ये अगर हम डाटा को स्टडी करना चाहें तो आप देख सकते हैं सिंपल 4600, 4700, 4800 और 5000 पे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर चुके हैं, कॉल राइटर्स पूरे एग्जिट कर चुके हैं। अभी जो पुट राइटर्स की पोजीशन एक्टिव है वो 4700 और 4800 पे है। अभी तक 4800 क्रॉस नहीं करा है अपोलो हॉस्पिटल और वहां पर पुट राइटिंग एडिशंस हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और नीचे जितने भी कॉल राइटर्स थे जो शॉर्ट बना के बैठे हुए थे वो सब अनवाइंड कर चुके हैं। सो मोस्ट प्रॉबेबली लग रहा है कल नहीं बट परसों तक ये डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है और स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब ट्रेड कैसे करें, सो फॉर दैट हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे अगर आप आओगे तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा अगर जूम करने की कोशिश करें, आप यहां क्लियरली देख सकते हैं 4775 के ऊपर हमें बाय करना है,
तो दैट मीन्स कि हम 4700 का स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं कर सकते। अब बात कर रहे हैं हम लोग चार दिन की, पांच दिन की, तो ऐसा हमें वीक मंथली बेसिस का लेकर चलना है और अभी भी हमारे पास टाइम है, तो ज्यादा टाइम डिके हमें देखने को मिलेगा नहीं। तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग 4900 का स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं जब हमारा बाय लेवल कैश में ब्रेकआउट देता है। ठीक है, अब एक बात है जो मैं नोट करना चाहूंगा जो सारे स्टॉक्स के लिए वैलिड होने वाली है, वो ये है कि जो भी लेवल आपको बाय के लिए बोला जाता है उसके ऊपर जब तक 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल क्लोज नहीं करती है तब तक आपको बाय बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे हमने आपको बोला कि 500 के ऊपर बाय करना है, दैट मींस कि 500 के ऊपर एक 15 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए तभी हम अपना बाय सेटअप लेंगे। कैश पे ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, फ्यूचर्स पे कैसे करना है, तो जैसे ही कैश में ब्रेकआउट आएगा एंड 15 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट भी उठा सकते हैं करंट एक्सपायरी का। अब बात करते हैं ऑप्शन पे, तो ऑप्शन पे हम लोग 4900 का स्ट्राइक प्राइस उठा सकते हैं जिसका प्रीमियम ऑलमोस्ट जो अभी चल रहा है दैट इज अराउंड 87 रुपीज, जो कि बढ़ के 92 भी नहीं ऑलमोस्ट 90 ही होगा एंड 90 पे हम उसे बाय कर सकते हैं। अब इसका स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करना है, देखिए कल अब ऑप्शन में दो तरीकों से हमें काम करना होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इंट्राडे में काम करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कल ही ब्रेकआउट आता है, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो एक मोमेंटम अच्छी आ सकती है बिकॉज ऑलरेडी कॉल राइटर्स निकल चुके हैं, तो वहां पर कॉल एडिशंस और होना स्टार्ट होंगी, नए बायर्स भी एंटर होंगे। तो अगर कल के दिन ही आपने 4900 का स्ट्राइक प्राइस बाय करा एंड वो 90 से 95, 96, 97 चले जाता है आपके बाय करने के बाद, तो भी आप इंट्राडे में पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। आपको ज्यादा टाइम एक दिन से भी ज्यादा रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं अगर आपका टारगेट अचीव नहीं होता। अगर बाय चांस हम मान के चलते हैं कि कल कोई मोमेंटम नहीं आता और दो दिन तक लगातार कोई मोमेंटम नहीं आता और आपके पास अभी भी स्ट्राइक प्राइस वो पड़ी हुई है और आपका 90 रुपीज का प्रीमियम हो गया है 87 रुपीज 86 रुपीज और दो दिन तक कोई भी मोमेंटम नहीं आया, तो वहां पर भी हम लोग एग्जिट कर लेंगे और कोई नए स्टॉक के अंडर एंटर कर सकते हैं बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑफ स्टॉक्स और हम लोग हर दिन आपको 3 स्टॉक्स देने वाले हैं, तो आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। तो आपको एक भी ऑप्शन को ज्यादा टाइम होल्ड करने की जरूरत नहीं है, कम लॉस देखे निकलो, हम दूसरे ऑप्शन ट्रेड पे एंटर कर सकते हैं और यहीं पर ही हम अपना पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एक ही के पीछे पड़े रहोगे कि अब तो यार ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो वहां पर आप लॉसेज ही बुक करने वाले हो। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी समझना है, इंट्राडे में अगर अच्छी मोमेंटम मिल रही है तो निकल जाना है, नहीं मिल रही है दो दिन वेट करो, दो दिन में मोमेंटम नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा लॉस निकलो एंड हम लोग नए ट्रेड्स तो डेफिनेटली लेने वाले हैं। अब बात हो गई है अपोलो हॉस्पिटल की, अब बात करते हैं एक बार दूसरे स्टॉक की। सो गाइस सेकंड स्टॉक है वो है हमारा गेल। गेल भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ एंड गेल का मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। यस गाइस, वीकली टाइम फ्रेम हमने ओपन करा हुआ है एंड अगर आप गेल को देखोगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो सितंबर 2018 से 195 से गिर के ऑलमोस्ट से आ गया था 60 रुपीज के लेवल तक, 60 रुपीज से रिकवर करना स्टार्ट करा ऑलमोस्ट एक साल, ये एक रेंज के अंदर बंद रहा, ऑलमोस्ट 130 से 170 के रेंज के अंदर ही गेल ट्रेड करता रहा और अब ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। यस गाइस, अब ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसका जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था 195 रुपीज का वो बहुत ईजिली आ सकता है। अब हमें बाय कहाँ करना है, तो आप चलते हैं एक बार अपने दोबारा 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एंड 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे स्टडी करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि ये अभी ब्रेकआउट दिया नहीं है, तो ये डेफिनेटली एक ब्रेकआउट देने वाला है, जो करंट प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है 168 रुपीज पे, हमें बाय करना है 15 मिनट की कैंडल अगर 171 के ऊपर क्लोज करती है तो हम अपना बाय सेटअप ले सकते हैं। टारगेट जो हम एग्जामिन करके चल रहे हैं वो है 195 का, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई भी है और एक लाइफ टाइम हाई भी है और वो हमारा टारगेट होगा। अब बात अगर हम लोग करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस के लिए आप लोग देख सकते हैं कि 155 रुपीज का स्टॉप लॉस है। अब कैश में अगर आप बाय कर रहे हो ना तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस आपके लिए कुछ होगा नहीं क्योंकि आपकी क्वांटिटीज भी शायद कम हो सकती है, बट अगर आप ऑप्शन में बाय करके इसको एज अ स्टॉप लॉस लेकर चलोगे तो यहां पे आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है और स्टॉप लॉस अगर आपका हिट करता है तो आपको ड्रास्टिक लॉस भी हो सकता है, तो उसके लिए हम कुछ चेंजेस करके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैश की बात करते हैं। कैश पे जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 195 रुपीज का, ऑलमोस्ट हम जो परसेंटेज देख रहे हैं 15% का रिटर्न जो हमें दे सकता है विदिन 1.5 वीक्स दे सकता है, विदिन 1.5 वीक्स के अंदर ये हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। कैश की हमने बात कर ली, स्टॉप लॉस टारगेट्स दोनों दे दिए, सेम गोज विद फ्यूचर। फ्यूचर पे भी अगर ब्रेकआउट आता है 171 के ऊपर, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है कैश सेगमेंट के अंदर, तो हम फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं, सेम टारगेट सेम स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट डाटा की, तो हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट डाटा पे एंड अगर हम यहां पर स्टडी करने की कोशिश करें तो आप यहां क्लियरली देख सकते हैं
कि 170, 165, 167.5 and 170 के भी कॉल राइटर्स पूरे अनवाइंड कर चुके हैं। पुट हैवी पुट राइटिंग जो देखने को मिल रही है वो 170 पे देखने को मिल रही है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्सपायरी आने वाली है, जो रिसेंट एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी, उस पर जो भी पुट राइटर्स ने पोजीशन बनाई है वो ये सोच के चल रहे हैं कि ये गेल जो अभी 168 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है वो 170 के ऊपर ही जाके क्लोज करेगा। दैट मीन्स कि लोग बुलिश हैं एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट डाटा के अंदर भी, तो डेफिनेटली हम इसको बाय करके चल सकते हैं। हम ये चीज तो पता चल गई कि ओपन इंटरेस्ट डाटा और चार्ट का स्ट्रक्चर दोनों बुलिश दिखा रहा है। क्या ओपन ऑप्शन चेन भी हमें बुलिश दिखा रहा है? तो अगर हम उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें बाय करनी है। ठीक है, तो लेट्स गो विद कि 171 के ऊपर हमें 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी है कैश पे, तो हम ऑप्शन चेन पे बाय करेंगे। तो हम ट्रेड ले सकते हैं 172.5 या फिर 175 का भी ले सकते हैं। गाइस अभी 17 तारीख को शायद मार्केट खुलेगी, 18 तारीख को खुलेगी, तो डेफिनेटली वहां पर हमारे पास तब भी 10 दिन बाकी है, तो हम 175 का भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर, टारगेट अगर आपको पहले दिन ही अच्छा रिटर्न दिख रहा है तो आप डेफिनेटली एग्जिट कर लेना, दो दिन तक कुछ भी मोमेंटम नहीं दिख ली तो भी एग्जिट कर लेना है, और अगर हल्के हल्के ग्रेजुअली हर दिन इंक्रीज कर रहा है प्राइस और ऑप्शन चेन का प्रीमियम भी इंक्रीज कर रहा है तो हम अपने पूरे टारगेट तक ले होल्ड करेंगे। अब टारगेट हम लोग ऑप्शन के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैश के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। अब बात आती है सर स्टॉप लॉस इसका क्या रखें। सो गाइस अगर दो दिन तक मोमेंटम नहीं देखने को मिलती है तो हमारा डेफिनेटली एग्जिट है। स्टॉप लॉस हम बाय कर रहे हैं 171 के ऊपर, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 167.5 का। अगर कैश के अंदर 167.5 हिट कर लेता है तो हम अपने ऑप्शन से भी निकल जाएंगे। स्ट्राइक प्राइस जो हमने चूज करी है वो 175 की करी है, तभी 2.5 रुपए पे चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो 2.80-2.75 के आसपास ही इसका स्ट्राइक प्राइस होगा, प्रीमियम होगा जब भी ओपन होगा और हमारे प्राइस के ऊपर निकलेगा। आप इसे भी बाय कर सकते हो। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ सबका लाइव अपडेट मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा, तो अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं करें हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके ज्वाइन करें। बिकॉज कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे बोलूं अब बाय करने का सही टाइम आ गया, आप लोग 15 मिनट की कैंडल का भी वेट मत करो, तो वो अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए मेरे थ्रू लाइव असिस्टेंस चाहिए लाइव मार्केट के अंदर, तो टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 19,000-18,000 फॉलोअर्स ऑलरेडी हमारे वहां पर। अब बात करते हैं लास्ट स्टॉक की। तो गाइस हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है GATL इंफ्रा। GATL इंफ्रा पे अगर आप देखोगे तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड डेफिनेटली गाइस ये एक कैश स्टॉक है, इस पे ऑप्शन फ्यूचर्स ट्रेड नहीं होते हैं, तो ऑप्शंस के तो दो हमने दे दिए तीन में से, अब हम बात करते हैं कैश के लिए। तो कैश पे ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जब से लिस्ट हुआ है December 2021 पे लिस्ट हुआ था, तब से ये सिर्फ एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा है, 210 से लेके 265 तक की रेंज का। अब ये ब्रेकआउट इसने दिया, एक लाइफ टाइम हाई इसने फ्राइडे को ही क्रिएट करा है और थोड़ा सा नीचे आ गया था बिकॉज डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, बट अब ये स्टॉक लग रहा है कि एक बड़ी मोमेंटम की तैयारी कर रहा है। अभी हम लोगों ने टेलीग्राम पे ये ऑलरेडी बता रखा है तो 1-2 रुपए नीचे चल रहा है, बट अगर अभी तक आप लोगों ने इसे बाय नहीं करा तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी में बताता हूँ आपको कब बाय करना है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 261 रुपीज चल रहा है, जैसे ये 266 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है GATL इंफ्रा पे, तो आप अपना बाय सेटअप ले सकते हो। टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 10% के, क्योंकि पूरी जो रेंज बनी हुई है वो पूरी रेंज 20% की है, तो हम आधा लेकर चल रहे हैं, तो 10% पे यानी कि 295-300 रुपीज तक के टारगेट हम GATL इंफ्रा के अंदर लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो अगर ये ब्रेकआउट देगा तो स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ टू सिर्फ 12 रुपए का होगा, तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस है, 40-50 रुपए का हमारा टारगेट है। डेफिनेटली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, बट 15 मिनट की कैंडल का जो कंसेप्ट है उसे कभी मत भूलेगा, वो हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करवाता है कि हाँ एक बाय एंट्री लेने पे हमें एक कंफर्मेशन मिलता है और वहां पर हमारे लिए सेटअप देखना और एंट्री लेना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। सो गाइज ये थे हमारे तीन सेटअप्स। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सो गाइज चलते हैं एक बार निफ्टी के अंदर। निफ्टी पे अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी करा है? निफ्टी पे हम लोग कोई भी ऑप्शन ट्रेड आपको नहीं देने वाले हैं एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी नहीं, बिकॉज वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो वो हम आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर ही लाइव में प्रोवाइड करवाएंगे, स्टॉक्स की हम आपको यहाँ पर सजेस्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल पे निफ्टी हमें देखने को मिल रहा है, जो आप नीचे लाइन देख सकते हैं, एंड इस लाइन पे अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप ये देख रहे हैं जो गैप है इस गैप को फिलिंग करने आ सकता है। So, यानी कि जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है दैट इज 17,440 रुपीज का, अगर निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है देन नेक्स्ट टारगेट शुड बी 17,340 रुपीज का। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर एग्जामिन करनी है। दूसरी चीज,
यहां पर डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि एक डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना है, बट इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें ऊपर भी देखने को मिला है एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल पे, और एक फॉल गैप डाउन के थ्रू आया था। रिमेंबर दैट जो प्रीवियस वीक गया है ना, वो स्टार्टिंग ही मंडे का गैप डाउन से हुआ है, तो पूरा महीना पूरा हफ्ता जो गया है वो पूरा बुरा रहा है। अगर इसी मंडे को एक गैप ओपनिंग देखने को मिलती है तो डेफिनेटली शायद मार्केट अब एक रिकवरी की कोशिश कर सकती है और वहां पर हम मार्केट पे एक रैली देख सकते हैं। बट अगर ब्रेकडाउन करेगा डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन है विद अ टारगेट ऑफ 80 to 100 रुपीस पॉइंट्स हमें इजीली मिल सकते हैं। बाय अगर हम करना चाहेंगे तो वी नीड अ गैप अप, गैप अप नहीं आता तो ये 17,540 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो भी हम 60 to 70 पॉइंट्स की एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं। गैप डाउन पे हमें ज्यादा फॉल पे हमें ज्यादा पैसा मिल सकता है और पॉइंट्स मिल सकते हैं रेदर देन बाइंग में, बिकॉज मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ही शॉर्ट टर्म पे डाउन ट्रेंड रहा है। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, फिर दोनों का ओपन इंटरेस्ट स्टडी करते हैं एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर हम लोग चेक करें तो बैंक निफ्टी के अंदर सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। देखिए निफ्टी पे दो चीजों की अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट करते समय तो हमें एक अच्छा पैसा भी मिल सकता है और ऊपर जाने की भी चांसेस दिख रहे हैं बिकॉज वो एक मोमेंटम के थ्रू काम कर रहा है। बट बैंक निफ्टी ने जब से ऊपर से फॉल करना स्टार्ट करा है पूरे टाइम एक रेंज बाउंड के अंदर है, तो अगर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे गया तो डेफिनेटली एक बड़ा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 37,000 आप क्लियरली यहां देख सकते हैं 37,463 ट्रेड कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है 37,330-350 ब्रेक होता है तो यहां पर भी हम लोग 200 पॉइंट्स प्लस तक की एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाइंग साइड में अभी हमें यहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, तो अगर हम लोग बाय करेंगे तो वो निफ्टी को करेंगे, शॉर्ट करने के ज्यादा चांसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में। अब लास्ट करते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट डाटा की स्टडी एंड डेफिनेटली इस वीडियो को एंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने निफ्टी का ओपन कर लिया, निफ्टी पे आप देख सकते हैं हेवी कॉल राइटर्स एक्टिव है 17,500 पे, यानी कि हमें बाय करना है 17,540 के ऊपर, तो जितने भी कॉल राइटर्स होंगे वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। बट अगर वो कल के कल ही निकल जाता है तो कॉल राइटर्स और ज्यादा एक्टिव होकर नीचे की तरफ लेकर जा सकते हैं बिकॉज एक्सपायरी को 4 दिन बाकी है। अगर एक्सपायरी एक दिन पहले ही होती तो कॉल राइटर्स भी निकल जाते और मार्केट और ऊपर जा सकती थी, बट एक्सपायरी में 4 दिन बाकी है तो ये लोग अपनी पोजिशन होल्ड करने के लिए और ज्यादा ट्रेड ले सकते हैं इसी के अंदर। तो बाय साइड में मोमेंटम थोड़ी कम लग रही है अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट डाटा, पुट राइटर्स ऑलरेडी 17,500 और 17,600 से निकल चुके हैं, तो फ्रॉम माई साइड हम लोग मार्केट साइडवेज और टू स्लाइटली डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड देख सकते हैं, बट मार्केट पूरी साइडवेज और वोलेटाइल हो सकती है। ठीक है, कल का गैप अप और गैप डाउन ही हमारा डिसाइड करने वाला है। लास्ट चेक कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है, हैवी ओपन इंटरेस्ट, 2.5 मिलियन का कॉल राइटर्स एक्टिव है 37,500 पे गाइस, और 37,600 पे 1.4 मिलियन एंड कंटिन्यूस बेसिस पे आप क्लियरली देख सकते हैं। जो बढ़िया सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट वो है 37,400 का, जो कि इस रेंज का जो मैंने आपको चैनल दिखाया चैनल का बॉटम है। अगर वो ब्रेक होता है तो एक बड़ी सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकती है, अदर देन दैट मार्केट स्लाइटली साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रह सकती है। सो गाइज ये थे हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज डू लेट अस नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आप ये ऑप्शन चेन वाला डाटा आपके साथ हमेशा शेयर करा करें, क्या हम स्टॉक्स के साथ भी ऑप्शन इंट्रोड्यूस जो करा है क्या उसे कंटिन्यू रखें। वीडियो लंबी है बट अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिकॉज ऐसी हम नए नए चेंजेस और अपग्रेडेशन लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।